नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो दोस्तों, इस पैंट में हम आगे की तरफ बेल्ट लगाएंगे और बैक में इलास्टिक लगाएंगे, तो इसकी कटिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े में हम पैंट कटिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ किस नाप से हमें ये तैयार करनी है पैंट। देखिए, ये लंबाई हमारी है 36 इंच, मोरी हमारी 6 इंच है पैंट की, कमर हमारी 37 इंच हो गई है और थाई का जो नाप है 27 इंच है और हिप हमारी है 39 इंच। तो ये हमारा तैयार नाप है। लूजिंग वगैरह हमने इसमें दे रखी है, आप भी अपने हिसाब से पूरा नाप ले लें जो नाप आपको तैयार करना है। तो चलिए, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये कपड़ा लेना है, कपड़े को खोल लेना है। पैंट बनाने के लिए 2-2.25 मीटर कपड़ा हमारा बहुत होता है। तो ये हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इस तरीके से किनारी को आपस में मिलाते हुए इसको इस तरीके से बिछा लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। देखिए, किनारी आपस में हमने मिलाते हुए किनारी अपनी तरफ रखी हुई है, बंद वाली साइड आगे की तरफ है, तो इसको मैंने बिछा लिया। अब नीचे की तरफ से आपको 3 इंच का मार्जिन लगा ले लेना है। इस तरीके से सीधा कर लेंगे इसको। ये 3 इंच हमने लिया है जो हमारा ये बॉटम में फोल्ड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है, आपको भी ले लेना है। अब आपको लगाना है पैंट की लंबाई का निशान। तो ये निशान जो हमने लगाया है, यहाँ से आपको अपनी पैंट की लंबाई ले लेनी है, जितनी भी आपकी पैंट की लंबाई हो। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 1 इंच कम पे आपको निशान लगाना है। पूरा निशान नहीं लगाना है क्योंकि ऊपर की ओर हम बेल्ट लगाएंगे तो हमारी लंबाई पूरी आ जाएगी। तो ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब आपको आसन किस हिसाब से निकालना है। 39 इंच हमारी हिप है, 39 का 14 हिस्सा करेंगे तो 10.5 इंच हुआ। 10.5 इंच में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपका आसन निकल जाएगा। जितना भी आए आपका आसन बिल्कुल सही आएगा ये। तो ऊपर का निशान आपको कट कर देना है और ये दोनों निशान आपको सीधे कर लेने हैं, लंबाई का और आसन का। तो इस तरीके से निशान सीधा करने के बाद अब देखिए, साइड में हमारी किनारी है। इस किनारी की साइड में आपको एक निशान लगा लेना है क्योंकि किनारी हम कटिंग करेंगे, तो पहले ही आप ये निशान लगा लें। देखिए, सबसे पहले आपको कमर का निशान लगाना है। कमर हमारी है 37 इंच, तो 37 का 14 हिस्सा करेंगे। 7.9 इंच का निशान आपको पहले लगा देना है, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा आपको निशान होर लगाना है इस तरीके से। तो ये हमारी कमर के निशान हो गए हैं। अब थाई हमारी 27 इंच है, 27 का हाफ हुआ, 13.5 का निशान लगाएंगे और 13.5 से 2 इंच पीछे की तरफ आपको निशान एक होर लगाना है इस तरीके से। तो जो हमने थाई का पीछे की तरफ 2 इंच कम का निशान लगाया, उसको इस तरीके से सीधा मिला देंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आसन की गोलाई देंगे, इस तरीके से अच्छी सी गोलाई दे दें आसन की। तो देखिए, अब देखिए थाई का जो सेंटर है, सेंटर लेंगे, यहाँ पे सेंटर लगा लेंगे। जितना भी आपका थाई का सेंटर आएगा तो ये सेंटर आप नाप लेना है। ऊपर भी आपको सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए, थाई का सेंटर आपको एक नीचे भी लगा लेना है। तो इस निशान को आपको सीधा कर लेना है। जब हम इस पैंट को बना देंगे तो इस पैंट पे हमारी क्रीज आएगी, सेंटर की जो क्रीज होती है वो इस निशान पे हमारी आती है। इस निशान पे हम प्लेट डालेंगे। देखिए, यहाँ से प्लेट की लंबाई लेंगे 4.5 इंच, इस तरीके से निशान लगा लें। तो ये हमारी प्लेट का निशान हो गया है। अब देखिए, बॉटम मोरी हमारी हो गई है 6 इंच, तो यहाँ से निशान से 3 इंच इधर लेंगे और 3 इंच आपको उधर लेना है। तो 6 इंच हमारा ये मोरी का निशान है। इस तरीके से आपको सेंटर में से मोरी निकालनी है, साइड में से नहीं लेनी है। अब यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, शेप पट्टी रखेंगे और इस तरीके से शेप में हम निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से शेप फट्टी रखते हुए आपको इधर भी पैंट के शेप फट्टी से निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लगाएं, बिल्कुल अच्छा सा निशान लगाएं।
तो ये निशान हमारे लग चुके हैं। अभी यहाँ से तकरीबन आपको हाफ इंच डाउन करना है आसन, तो ये हमने डाउन कर दिया। अब इस निशान पे इसको कटिंग कर देंगे, यहाँ से डाउन लेंगे, इस तरीके से आसन की गोलाई देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पैंट का फ्रंट कटिंग हो चुका है। यहाँ से प्लेट का जो निशान है उस पर कट लगा लेंगे। ये अंदर वाली साइड अभी आपको नई कटिंग करनी है, ये हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए बाकी का जो कपड़ा है उसको फिर से आपको बिछा लेना है आगे की तरफ करते हुए, उसको सेट कर लेंगे। और जो हमने फ्रंट कटिंग किया था पैंट का उसको बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे इसको। देखिए इस तरीके से मिलाते हुए आपको रखना है, और ये जो निशान है इसको थोड़ा आगे तक लेके आना, इस तरीके से यहाँ पे इसको आगे तक लेके आएंगे। अब देखिए पट हमारा 27 इंच है, ये हमने निशान लगा रखा 13.5 इंच का, मोरी हमारी 6 इंच है, पूरा पूरा निशान हमने लगाया है। तो अब देखिए यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि ये हमारा जो मार्जिन है कवर हो जाए। बैक को हम 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान आपको लगाना है। फट्टी की मदद से इसको इस तरीके से शेप दे देनी है। यहाँ पे हमने देखिए निशान लगा लिया है, अब यहाँ पे निशान लगाएंगे किस तरीके से, और ऊपर भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान इस तरीके से लगा देना है। इसको सीधा कर लेंगे निशान को, यहाँ पे मिला लेंगे थाई के साथ इस तरीके से, बिल्कुल थाई की सीध में। देखिए हमने फ्रंट में बेल्ट लगानी है और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे, तो बैक को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा उठा के कटिंग करेंगे। बैक हमें उठा के कटिंग करनी है, तो पहले ही आप 1.5 इंच का निशान इस तरीके से उठा के निशान लगा लें इस तरीके से, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया है, इस निशान पे हम कटिंग करेंगे, आसन की यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो देखिए अब हमें इस पर कटिंग करनी है। तो पहले आप देखिए कमर हमारी है 37 इंच, तो ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फालतू इसलिए लिया है कि हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ये हमारी पैंट का फ्रंट पूरा तैयार आ जाएगा। यहाँ से जब हम प्लेट डालेंगे, हाफ हाफ इंच के हमें प्लेट डालने हैं, तो ये हमारा फ्रंट पूरा तैयार आ जाएगा। तो अब इस निशान पर हम इसको कटिंग करते हैं। तो अब हमें ये देखिए चारों पल्ले, अब हमें साइड से इसको कटिंग करना है बाद में इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है, यहाँ से कट लगा लेंगे लंबाई का। यहाँ पे हमें अपनी लंबाई फोल्ड करनी है और निशान लगाएंगे पॉकेट का। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं लगा लें, ना लगाना चाहे ना लगाएं। तो 1.5 इंच ऊपर से लेंगे और पॉकेट का जो है मुँह रखेंगे 6 इंच इस तरीके से, ऊपर से 1.5 इंच लेना है और पॉकेट का जो हमें फेस रखना है वो 6 इंच रखना है। तो ये हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है, अब हम पॉकेट कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए डबल हमने कपड़ा बिछाया हुआ है। पॉकेट कटिंग करने के लिए 13.5 इंच आपको लंबाई ले लेनी है पॉकेट की, और 6.5 इंच चौड़ाई, इसका बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, इस तरीके से पॉकेट की शेप देंगे और इस शेप पे आपको कटिंग कर देना है। तो ये हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए पैंट हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए मशीन पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 फ्रंट हैं और 2 बैक हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 इंच के मार्जिन से बैक फ्रंट पे दोनों पे आपको आसन की सिलाई लगा लेनी है। दोनों पे आपको बैक और फ्रंट पे आसन की सिलाई पहले लगा लें, दोनों को आप जोड़ लें। तो ये हमारा फ्रंट है, पहले हम दोनों फ्रंट के पल्ले हैं आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है, अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे।
तो देखिए अब सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें बेल्ट कितनी लगानी है और सामना हमें कितना तैयार करना है। कमर हमारी 37 इंच हो गई है तो 37 का हाफ जितना भी है हम इसका फ्रंट तैयार करेंगे। 37 का हाफ हमारा हुआ 18.5 इंच, तो ये ज़्यादा है हमारा। तो पहले हम इसमें प्लेट डाल लेते हैं तो हमारा फ्रंट ये पूरा तैयार आ जाएगा। इस तरीके से आपको हाफ हाफ इंच के प्लेट जब आप डालोगे तो आपका फ्रंट पूरा तैयार आ जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए पहले हम इस तरीके से ये हाफ इंच का प्लेट डाल लेते हैं। एक प्लेट में हमारा 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच उधर से। दोनों साइड के प्लेट आप डाल लें। तो देखिए दोनों साइड के प्लेट हमने डाल लिए हैं। तो अब देखिए 37 इंच हमारी कमर है और फ्रंट आपको करना है 18.5 इंच तैयार। 37 का हाफ 18.5 इंच हुआ तो ये हमारा 18.5 इंच फ्रंट तैयार है। तो 18.5 से भी आप इसको 19 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच और आप एक्स्ट्रा इसको कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें साइड में सिलाई भी लगाएंगे तो 1 इंच हमारा मार्जिन भी चला जाता है। ये देखिए जब हम जोड़ेंगे तो हाफ हाफ इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा। तो कमर से हाफ का आपको 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट तैयार कर लेना है। तो अब देखिए पॉकेट हम इसमें लगाएंगे। इस तरीके से पॉकेट को सीधी साइड नीचे रखेंगे और इस तरीके से डब्बे बना देंगे जो हमने 6 इंच का निशान लगाया था। इस तरीके से चकोर में आपको निशान लगाना है, इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है चकोर में और यहाँ पे कट लगा देंगे कॉर्नर पे। इसको आपको पलट लेना है बाहर की तरफ इस तरीके से। तो बाहर की तरफ इसको पलटेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब एक पैर की सिलाई आपको इसके ऊपर भी लगा देनी है ताकि ये अच्छे से इसी तरीके से बैठे रहे। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब देखिए पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ और पहले नीचे वाली सिलाई आपको लगा देनी है। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से एक सिलाई और लगानी है हमें पॉकेट के ऊपर। डबल सिलाई हो गई है हमारी पॉकेट के ऊपर। इस तरीके से पक्की सिलाई मार दें। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसको इस तरीके से कवर करते हुए यहाँ पे रखते हुए इसको सेट करते हुए इसको हमें पॉकेट को फिक्स कर देना है। यहाँ से आपको इस तरीके से रखेंगे और फिक्स कर देंगे ऊपर नीचे से, पॉकेट को पक्का कर लें इस तरीके से पक्का करेंगे और ऊपर की साइड से भी आपको इसको फिक्स कर लेना है। पॉकेट को प्लेट से पीछे ही रखें इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पॉकेट हमने लगा दी है इस तरीके से। तो पॉकेट लगाने के बाद अब हमें इसे बैक में जोड़ देना है। ये देखिए ये हमारी बैक है, बैक में भी हमने सिलाई लगा ली है आसन की। देखिए दोनों हमारे हैं बैक और फ्रंट, दोनों आपस में आपको जोड़ देना है सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से आपको हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और नीचे तक आपको दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, सिलाई मारेंगे और दोनों साइड में आपको सिलाई लगा देनी है। इस साइड में भी सेम आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए सिलाई लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे जब आप सिलाई शुरू करोगे तो आपको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे फ्रंट में और बैक में इलास्टिक डालेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दें और पॉकेट को बचाते हुए आपको ये सिलाई मार देनी है। दोनों साइड में आपको ये सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। ऊपर से हमने इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन हमें ऊपर की तरफ छोड़ना होता है इसमें।
तो देखिए अब आपको क्या करना है, हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट आपको कितनी लगानी है, देखिए जितना भी हमारा ये फ्रंट तैयार हुआ है बिल्कुल सही तैयार हुआ है, चौड़ाई बेल्ट की रखेंगे 1/4 इंच और इस तरीके से फ्रंट के हिसाब से आपको बुकरम कटिंग कर लेनी है। 1/4 इंच रखनी है बेल्ट की चौड़ाई, यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच फालतू आपको कटिंग कर लेनी है ये। अब देखिए ये कपड़ा हमने डबल लिया है, आप सिंगल में भी लगा सकते हैं, तो ये हम डबल में लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे बुकरम रखेंगे 1 पॉइंट पीछे हटाते हुए और एक पैर की सिलाई आपको लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है, अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एक पैर की सिलाई आपको अब दोबारा से लगानी है। देखिए एक पैर की सिलाई हमने लगा ली है, अब आपको इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से एक एक पैर आपको एक्स्ट्रा कटिंग करना है क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे तो एक पैर का मार्जिन हमारा आएगा, तो एक्स्ट्रा कटिंग आपको कर लेना है इस तरीके से। देखिए ये बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी है, अब हमें इसे पैंट के ऊपर लगाना है। तो इसको हमें उल्टी साइड में लगाना है ताकि पलटने के बाद ये बेल्ट हमारी सीधी साइड में आ जाए। तो देखिए बुकरम वाली साइड से नहीं हमें अटैच करना है, जो सिंगल कपड़ा है उधर से हम इसको अटैच करेंगे पैंट की उल्टी साइड में। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमारी ऊपर बेल्ट तैयार आ जाएगी। तो ये बेल्ट आप तैयार कर लें। तो देखिए बेल्ट हमने इसमें तैयार कर ली है, अब देखिए बैक में हमें इलास्टिक लगानी है, तो बैक में भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी इसमें लगानी पड़ेगी। तो 4.5 इंच की आपको चौड़ी पट्टी लेनी है, तो यहाँ रखेंगे और इसको पट्टी को इसमें अटैच कर देंगे क्योंकि बेल्ट हमने एक्स्ट्रा लगाई है ऊपर बढ़ाकर, तो इलास्टिक भी हमें ऊपर बढ़ाकर ही लगानी पड़ेगी तभी इसकी सेटिंग आएगी। तो देखिए इस तरीके से बैक में हमने पट्टी लगा दी है, अब फ्रंट की जो हमारी पट्टी है इसके अकॉर्डिंग इसको इसके बराबर इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए फ्रंट की पट्टी को इसमें कवर कर देंगे ताकि ये बनने के इलास्टिक लगने के बाद यहाँ से ये हमें गुम नज़र आए, ओपन नज़र ना आए इलास्टिक डालने के बाद। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से दोनों साइड में। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, ये सिलाई हमने क्यों लगाई है, हम इसमें जब इलास्टिक लगाएंगे तो ये गुम हो जाएगा। तो देखिए कमर हमारी 37 इंच है, तो हम इसमें इलास्टिक कितनी डालनी है, तो 37 का हाफ करेंगे 18.5 इंच, तो 18.5 इंच में से आपको 4 या 5 इंच कम कर देना है और इलास्टिक डाल देनी है। सिंपल सा तरीका है, जितनी भी आपकी कमर हो उसका हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद उसमें से 4 या 5 इंच की आपको फिटिंग दे देनी है इलास्टिक में, यानी कि कम इलास्टिक कटिंग करनी है। तो देखिए हम इसकी 14 इंच इलास्टिक कटिंग कर रहे हैं, 37 इंच कमर है, हाफ हुआ 18.5 इंच में से 4 इंच हमें कम कटिंग कर दिया, तो 14 इंच इलास्टिक हम इसकी डालेंगे। यहाँ से इलास्टिक को इस तरीके से अटैच कर देनी है जो हमने सिलाई लगाई थी, एक साइड से अटैच कर दिया है, दूसरी साइड से भी आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। मैं इसको इसलिए यहाँ से इस तरीके से अटैच कर रहा हूँ कि ये हमारा गुम हो जाएगा, इलास्टिक का जॉइंट जो है जो नज़र नहीं आएगा हमारा। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर ये फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से ये गुम हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी। इस तरीके से इलास्टिक को बीच में देते हुए सिलाई आपको लगा देनी है। ये सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी ना चढ़े, इलास्टिक से नीचे आपको सिलाई चलानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक डाल दिया, अब इस तरीके से इसको खींच लेंगे, इलास्टिक के जो गैदर हैं बिल्कुल बराबर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए बिल्कुल बराबर हमारे हो चुके हैं, जब आपके ये बिल्कुल बराबर हो जाएं इसके ऊपर आपको फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है आपको, खींचते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब सिंपल आपको क्या करना है, पैंट की लंबाई फोल्ड कर देनी है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपने कटिंग किया है लंबाई फोल्ड कर लेंगे।
देखिए लंबाई फोल्ड करने के बाद अब आपको जितनी भी आपकी पैंट की मोरी है यानी कि बॉटम है निशान लगाएंगे और सिलाई आपको लगा देनी है। ये अंदर की सिलाई आपको डबल सिलाई आपको लगानी है। ये तो आसन की सिलाई मिलाते हुए आपको ये सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा दी है, पैंट हमारी तैयार है। तो मैं एक बार इस पैंट के ऊपर प्रेस कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या ही है। तो मैं इसके ऊपर प्रेस कर लेता हूँ। तो देखिए पैंट के ऊपर हमने प्रेस कर ली है और पैंट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई से और फिनिशिंग से हमारी ये पैंट बनी है। फ्रंट की साइड में हमने बेल्ट लगाई है और बैक की साइड में हमने इलास्टिक लगाई है। तो ये हमारी पॉकेट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।